नहुम भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। नहुम भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ाया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखती हुई चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे, क्योंकि यहोवा याकूब की बड़ाई इसराइल की बड़ाई के समान जो कि त्यो कर देता है। उजाड़ने वालों ने उसको उजाड़ तो दिया है और दाखलता की डालियों को नाश किया है। उसके शूरवीरों की ढाले लाल रंग से रंगी गई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग किनाई चमकता है और भले हिलाए जाते हैं। रथ सड़कों में बहुत वेग से हाके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे पलितों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है। वे चलते चलते ठोकर खाते हैं, शहर पनाह की और फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तैयार किया जाता है। नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गलकर बैठा जाता है। हुसैब नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पंडुकों की नाई विलाप करेगी। निन्वे तो जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारने जाने पर भी कोई मुंह नहीं फेरता। चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत का कुछ परिणाम नहीं और विभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिणाम नहीं। वह खाली और छूछी और सुनी हो गई है और मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं और उन सबों की कटियों में बड़ी पीड़ा उठती है और सबों के मुख का रंग उड़ गया है। सिंहों की वह मांद और जवान सिंह के आखेट का वह स्थान कहाँ रहा जिसमें सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बेखटके फिरते थे। सिंह तो अपने डावरों के लिए बहुत अहेर को फाड़ता था और अपनी सिंहनियों के लिए अहेर का गला घोट घोट कर ले आता था और अपनी गुफाओं और मांदों को अहेर से भर लेता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे और मैं तेरे अहेर को पृथ्वी पर से नाश करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुना न जाएगा।